नमस्कार, ग्लोरियस किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए 750 ग्राम आलू को पहले बॉईल कर लेते हैं। अब इसे ढककर बॉईल करेंगे। अब उबले हुए आलू को छीलकर देखिए रख लिया है मैंने। अब आलू को 4 पीसेस में काट देंगे। इक्वल पीसेस में काटिएगा। आलू अब कट चुका है। चलिए अब सोयाबीन की तरफ चलते हैं। मैंने 200 ग्राम सोयाबीन लिया है। अब इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए गैस ऑन किया, उसमें 2 चम्मच मैंने तेल डाला है। अब इसे फ्राई करते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो सोयाबीन डाल दीजिए। सोयाबीन को धीरे धीरे फ्राई करते हैं। 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। फिर इसमें पानी डालते हैं। 1 कप पानी डाल दीजिए ताकि सोयाबीन फूल जाए। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है सोयाबीन में। अब देखिए ये, अब यहीं पे नमक डाल देते हैं। अब 2 मिनट के लिए हमने सोयाबीन उबाल लिया है। देखिए सोयाबीन उबल चुका है। अब इसे साइड कर लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में तेल डालते हैं। 2 चम्मच हमने तेल डाल लिया है। 1 तेज़पत्ता, 3-4 हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरा। अब इसे बिल्कुल लाल होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब 2 कटे हुए प्याज डाल देते हैं। प्याज को फ्राई करते हैं। और मैंने 1 हरी मिर्च और डाल दिया है। अब जो कटे हुए आलू थे उसे भी डाल देते हैं। अब इसे फ्राई करते हैं। अब हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब सारे सूखे मसाले यहीं पे डालते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है हमने। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है हमने। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर। 2-3 चम्मच पानी डाल दीजिए ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब सारे मसाले मिलाकर 5 मिनट तक फ्राई करते हैं। अब हमने 2 कटे हुए टमाटर, लंबे कटे हुए टमाटर लिया है। अब इसे कढ़ाई में डाल देते हैं। देखिए 5 मिनट तक इसे फ्राई कीजिए। अब हम 1 चम्मच नमक डालते हैं। नमक ध्यान से डालिएगा, हमने सोयाबीन में पहले भी नमक डाला हुआ है। अब इसे 5 मिनट तक फिर फ्राई कीजिए। 5 मिनट फ्राई करते हैं। अब फ्राई हो चुका है, पानी डालेंगे। पहले मैंने 1 कप पानी डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब 2 कप पानी डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिलाकर ढककर पकाइए। अब बॉईल आ चुका है। अब यहीं पे सोयाबीन डाल देंगे। देखिए अब सोयाबीन आलू को अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसे 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हमारे आलू और सोयाबीन की सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे धनिया से गार्निश करेंगे। अब इसे सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।